हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो भाई साहब, मस्त हो गए? चलो आपको एक और अपडेट देता हूँ फिलहाल आज मैं आपको। तो अगर किसी के भाई भी को अगर जो भी मेरे से पपी बाय करता है, तो अगर किसी भाई को अपने पपी छोड़नी हो मेरे पास कुछ दिनों के लिए, तो आपके भाई ने ये भी अभी काम थोड़ा सा चालू करा है। फिलहाल अभी ज़्यादा पपीज नहीं रखता हूँ, एक दो पपीज के अराउंड ही। तो आपको दिखाता हूँ, ये लासा की फीमेल, ये मेरे टफी की बच्ची थी, तो ये मैम ने ली थी मेरे से। तो अभी उनको बाहर कहीं जाना था, तो वो मेरे पास छोड़ के गए हैं। इसका नाम है मिष्टी, इसके नाम से चैनल भी बनाया हुआ है मैम ने और सर ने। तो देख रहे हैं फेस कटिंग करने के बाद, और जो लासा का जो फेस होता है ना, मोर देन सिर्फ 2 उंगलियों का गैप ही रहता है। देख रहे हैं 2 उंगलियों का गैप ही पूरा नहीं कवर कर रहा है। तो इस साइज़ का एकदम फेस होना चाहिए, ज़्यादा फेस नहीं रहता है आगे का। तो अगर किसी भाई को छोड़ना हो मेरे पास पपी, तो आप मुझे एक बार इन्फॉर्म ले सकते हैं, पता कर सकते हो रखने के रिगार्डिंग पपी। आपको जैसे मेरे पपीज रहते हैं, डॉग्स रहते हैं, वैसे ही आपका डॉग भी रहेगा, कोई सोचने कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं मोस्टली मैं बंद करके नहीं रखता हूँ, अपने साथ ही रखता हूँ, नीचे भी रखता हूँ घर में, जैसी पपी की नीड होती है, डॉग की नीड होती है। और रखने का जो पर डे का चार्जेज है वो है 600 रुपीज़ पर डे का चार्जेज है। अगर किसी को भी अपने डॉग या पपीज रखवाने हो मेरे पास, है भाई मिस्टी, मेरा मुँह चाट लिया रे पगलो, मुँह चाट लिया है, तो कोई भी बता सकता है। ओनली फॉर स्मॉल ब्रीड्स के लिए, बड़ी ब्रीड्स के लिए बिल्कुल नहीं है। स्मॉल ब्रीड्स के लिए, जिसके पास स्मॉल ब्रीड्स है लासा शिटजू टाइप के, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रखने के रिगार्डिंग पर डे का 600 रुपीज़ चार्जेज है। और प्लीज़ अपने पप्पी को एकदम अच्छे से क्लीन करके लाएं, देख के लेके आएं, टिक्स वगैरह का इश्यूज ना हो। जब भी आप प्लीज़ मेरे पास रख के जाएं, एकदम एक्टिव हेल्थी रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और बाई चांस कुछ हो जाता है तो देखिए, उसकी कोई गारंटी और उसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है, बट मेरे पास ऐसा कोई इश्यूज नहीं आएगा। अपनी तरफ से पूरा 100% रहता है पपीज़ या डॉग्स के रिगार्डिंग्स। तो बाई चांस अगर कुछ हो भी जाता है डॉग्स के या पपीज़ को, तो उसमें हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी, कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी इस चीज़ की, मैं आपको बता देता हूँ। जिसको ट्रस्ट हो वो छोड़ के जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख रहे हैं अपनी मिष्टी प्यारी सी, कितनी अच्छी लग रही है बैठी है। ये देख रहे हैं इसके मुंह में मैंने 3 उंगली डाल दी है, ये काटेगी काटेगी। शुरू शुरू में आई थी, थोड़ा बाइट करती थी, अभी मेरे को टाइम नहीं मिलता था, तो अभी मैं तो सबको हैंडल कर लेता हूँ, मेरे को कोई इशूज नहीं होते। ये देखिए, तो ये अपनी प्यारी मिष्टी। तो ठीक है, अगर आपको भी कोई अपने डॉग या पपीज रखने हो मेरे पास, आप जाना चाहते हो, तो उन लोगों के लिए बोर्डिंग के लिए मैंने ये थोड़ा सा रखा है, क्योंकि काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आती है। जो भी मेरे से पपी बाय करके जा रहा है मेरे पास, तो काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं भैया पपी रखने के रिगार्डिंग्स। तो अभी उन लोगों के लिए मैंने थोड़ा सा अभी चालू करा है रखने के लिए। अगर आप किसी को भी रखना हो मेरे पास पपी, तो आप एक बार कंफर्म कर सकते हो। चार्जेज मैंने आपको बता दिए, 600 रुपीज़ चार्जेज है पर डे का, और उसमें जो फूड वगैरह है वो सब मेरा ही है। जो आप कोई भी फूड दे रहे हो तो आप मुझे बता सकते हो, अगर मेरे पास अवेलेबल होगा। मोस्टली मेरे पास रहते ही हैं फूड्स। तो जैसे मैम इसको दे रहे थे डोल्स का फोकस का स्टार्टर, तो वो मेरे पास अवेलेबल था, तो कोई इश्यूज नहीं होते हैं। अगर वाई नहीं होता है पपीज फूड डॉग नहीं होता है मेरे पास अवेलेबल, तो उस कंडीशन में फिर आपको डॉग फूड दे देना पड़ेगा उस दिन के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जो भी होता है। तो यही आपको छोटी सी एक अपडेट देनी थी। है भाई मिष्टी, फर कटाने के बाद ऐसे लगते हैं डॉग्स, काफी अच्छे लगते हैं फर कटाने के बाद। और गर्मियों में हरदम फर काट देना चाहिए, और क्योंकि टिक्स का भी इशू काफी होता है गर्मियों में। तो ये अपनी प्यारी मिष्टी। चलो, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय। बाय बाय कर दे मिष्टी।